हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास सिक्स के इंग्लिश के लेसन नंबर एट को। इस लेसन का नाम है बच्चों द एलिफेंट। इससे पहले हम इस लेसन को अच्छे से समझ चुके हैं बच्चों, अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज को देखेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों, चलते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की ओर। बच्चों, इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो है लिसन एंड रिपीट, यानी सुनो और दोहराओ। तो यहां पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उन वर्ड्स को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आपको वैसे के वैसे उन्हें रिपीट करना है। एक्चुअली मैं ये क्या है, एक राइमिंग वर्ड्स हैं, उन राइमिंग वर्ड्स को वो पढ़ना सिखा रहे हैं आपको। जैसे फर्स्ट है सॉन्ग, अलोंग और रॉन्ग, ठीक इसी तरीके से आपको भी इसे दोहराना है, यानी रिपीट करना है। सॉन्ग, अलोंग, रॉन्ग, ये है वे, मे, से। इनका जो प्रोनंसिएशन है बच्चों वो सेम है, लेकिन मीनिंग सबके अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर लें, सॉन्ग मीन्स होता है गाना, अलोंग मीन्स होता है अकेला और रॉन्ग मीन्स होता है गलत। इसी तरीके से सभी की जो साउंड है वो सेम है, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है टॉयज, नोज और रोज, टोज, नोज, रोज, ठीक। नेक्स्ट है चिन, पिन, विन। नेक्स्ट है पियर्स, ईयर्स, चीयर्स। इस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है बच्चों, ठीक है। इनके प्रोनंसिएशन पे ध्यान देना है, बहुत कम डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन जैसे ये पियर्स, ये ईयर्स और ये चीयर्स, इसी तरीके से आपको भी इसे पढ़ना सीखना है। अब बच्चों, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है। एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। इन्होंने एनिमल्स को थ्री ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, यानी बांट दिया है। वाइल्ड एनिमल्स, पेट्स एंड फार्म एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स और पेट्स एनिमल्स और फार्म एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स बच्चों उन्हें बोलते हैं जो जंगल में रहते हैं, ठीक है। जंगली जानवरों को वाइल्ड एनिमल्स बोलते हैं। पेट एनिमल्स जिन्हें हम पालते हैं, ठीक है। और अगला है वो है फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स उन एनिमल्स को बोलते हैं जिनकी फार्मिंग की जाती है, जिन्हें हम बिजनेस के लिए पालते हैं, जैसे कि उनसे अंडे, मांस और दूध इत्यादि प्राप्त किया जाता है। उन एनिमल्स को हम फार्म एनिमल्स बोलते हैं। नेम्स ऑफ ए फ्यू एनिमल्स हैव बीन ग्रुप्ड बिलो एज वाइल्ड, पेट एंड फार्म एनिमल्स। हमें इन कुछ वाइल्ड एनिमल्स, कुछ पेट एनिमल्स और कुछ फार्म एनिमल्स के नाम बताना है। तो इन्होंने वैसे भी दे रखे हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को। जिससे पहला है एलिफेंट, एलिफेंट ये हाथी, ठीक। सेकेंड नंबर पे है टाइगर, टाइगर ये चीतर। लॉयन, लॉयन मीन्स होता है शेर। और मंकी, मंकी मीन्स होता है बंदर। और अगला है स्नेक, स्नेक मीन्स सांप। इस तरीके से आपको फाइव वाइल्ड एनिमल्स याद कर लेना है। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड नंबर पे पैट एनिमल्स। पैट एनिमल्स हम जिन्हें पालते हैं, ठीक है, शौक के लिए पाल लेते हैं, उन्हें हम पैट एनिमल्स बोलते हैं। जैसे कि पहला है डॉग, डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। अगला है कैट, कैट मीन्स बिल्ली। नेक्स्ट है पैरट, पैरट मीन्स तोता। अगला है पीजन, पीजन मीन्स कबूतर। और अगला है रैबिट, रैबिट मीन्स खरगोश। इस तरीके से आपको फाइव पैट एनिमल्स भी याद कर लेना है बच्चों। अगला है बच्चों फार्म एनिमल। तो फार्म एनिमल्स मैंने जैसा कि बता रखा है, जिनकी फार्मिंग की जाती है, इनसे हमें कुछ ना कुछ लाभ होता है, ठीक। तो जैसे पहला क्या है, काव। काव मीन्स क्या होता है, गाय, ठीक। गाय से हमें क्या मिलता है, मिल्क, ठीक। तो ये काव हो गया। अगला है शीप, शीप मीन्स होती है भेड़। भेड़ से हमें ऊन और मांस मिलता है। नेक्स्ट है हैन, हैन से हमें बच्चों अंडे और मांस मिलता है। नेक्स्ट है हॉर्स,
हॉर्स, ठीक है। तो ये हमारी सवारी के काम आता है, बोझा ढोने के काम आता है सवारी की, ठीक। नेक्स्ट है पिग, ये भी फार्म एनिमल है बच्चों, ठीक। इस तरीके से आपके 5 फार्म एनिमल्स भी हो गए, तो इन्हें भी आपको याद कर लेना है अच्छे से। ये बिना देखे आपको आना चाहिए कि पेट एनिमल्स कौन से हैं, फार्म एनिमल्स कौन से हैं और वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं। अब बच्चों जो थर्ड नंबर की एक्सरसाइज है वो है वर्ड पावर, यानी ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड पजल यूजिंग द पिक्चर्स क्लाउड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी हैं, इन पिक्चर्स को देखकर इस वर्ड पजल को हमें कंप्लीट करना है। जैसे फर्स्ट नंबर की जो पिक्चर है वो है मंकी, ठीक है। तो मंकी की हमें स्पेलिंग आना चाहिए MONKEY, मंकी। इस तरीके से ये वर्ड पावर पजल फर्स्ट वाली कंप्लीट होती है। इसी तरीके से और भी आपको कंप्लीट करना है, मैं आपको बता दूंगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पर वो थर्ड नंबर की जो एक्सरसाइज है वो फिल करके आपको दे दी है, यहाँ से आप देखकर लिख लीजिएगा ऐसा कैसी, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों अगली एक्सरसाइज पर। सेकंड नंबर की बच्चों आपकी जो एक्सरसाइज है वो है मैच द एनिमल्स विद देयर यंग वंस। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं और उनके बच्चों के नाम इधर दिए हैं, ठीक है। तो उस एनिमल के बच्चे का एनिमल के साथ उस बच्चे का नाम को मैच करवाना है। जैसे फर्स्ट है काव, काव के बच्चे को हम बोलते हैं काल्फ यानी बछड़ा, ठीक। तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। नेक्स्ट है सीप, सीप के बच्चे को हम बोलते हैं लैम, तो इसे हम इससे मैच करवा देंगे। हैन, हैन के बच्चे को हम बोलते हैं चिक, हॉर्स इन्होंने फॉल मैच करवा ही रखा है। अगला है डक, डक के बच्चे को हम बोलते हैं डकलिन, और पिग, पिग के बच्चे को बोलते हैं पिगलेट। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, तो हमें इनके बच्चों के नाम याद होना चाहिए। जैसे अब बच्चों जो एक्सरसाइज फोर्थ है वो है कंप्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर देना है। तो मैं आपको एक एक करके इनके आंसर बता देता हूँ। अब बच्चों उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ डज द एलिफेंट कम, जो हाथी है वो किस तरीके से आता है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम द एलिफेंट कम्स स्वाइंग, हाथी झूमता हुआ आता है, ठीक है। बच्चे गाने गा रहे थे और हाथी एकदम झूमता हुआ चल रहा था अपनी मस्ती में, तो ये क्या है द एलिफेंट कम्स स्विंग। सेकेंड है व्हाट इज द कार्गो ऑफ द एलिफेंट, तो इसमें एलिफेंट का कार्गो क्या था, तो इसका आंसर लिखेंगे द कार्गो ऑफ द एलिफेंट इज द चिल्ड्रन ऑन इट, जो बच्चे उसके ऊपर बैठे हुए थे, हाथी के ऊपर बैठे हुए थे, वो ही एलिफेंट का कार्गो था। कार्गो का मीन्स होता है बच्चों बोझा या फिर भार, जो सामान जहाज पर लादा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्गो बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हाथी पे बैठे हुए हैं उसे क्या बोल रहे हैं, कार्गो बोल रहे हैं, ठीक। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट कैन द एलिफेंट डू विथ इट्स ट्रंक, हाथी है अपनी सूंड के साथ क्या क्या कर सकता है। तो हमने कविता में पोयम में पढ़ा था कि हाथी पेड़ को उखाड़ सकता है और घर को गिरा सकता है अपनी सूंड के साथ और पिन उठा सकता है। तो इसका आंसर है द एलिफेंट कैन पुल डाउन ए हाउस, किसी घर को गिरा सकता है अपनी सूंड से, पिक अप ए पिन और एक पिन भी उठा सकता है विद्स इट ट्रंक, अपनी सूंड के साथ। उसकी सूंड बहुत ज्यादा ताकतवर होती है बच्चों, वो पेड़ तक को उठा सकता है, घर को गिरा सकता है, वो एक छोटी सी पिन को भी उठा सकता है। तो ये सारे काम हाथी अपनी सूंड से कर सकता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का व्हाट डिड द चिल्ड्रन डू टू द एलिफेंट, जो बच्चे हैं वो हाथी के लिए क्या करते हैं। तो इसका आंसर आएगा द चिल्ड्रन हैव क्रॉन द एलिफेंट विद मे, तो मे के फूलों के वो हाथी को एक ताज बनाकर पहनाते हैं बच्चे, ठीक। तो मे एक फूल होते हैं बच्चों लाल और सफेद, गुलाबी और सफेद कलर के, जो कि नागफनी के फूल होते हैं। नागफनी एक पौधा होता है जो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो उसके ये बच्चे उसके एक ताज टाइप का बनाते हैं और हाथी पे सजा देते हैं उससे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज। बच्चों अब जो फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज है वो है लेट्स टॉक। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है,
वो है राइट योर नेम ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर एंड पुट इन ऑन द राइट साइड ऑफ योर चेस्ट। एक आपको पेपर का पीस लेना है, उस पर अपना नाम लिखना है, नाम लिखकर राइट साइड पे उसे चिपका लेना है। द टीचर विल कलेक्ट ऑल द पीसेस ऑफ पेपर, जम्बल देम अप एंड डिस्ट्रीब्यूट देम। जो टीचर हैं आपके, वो सभी की वो नेम चिट कलेक्ट करेंगी, उसे जंबल करेंगी, मतलब मिक्स करेंगी, और मिक्स करके फिर सभी बच्चों में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगी। अब होगा क्या कि किसी के नाम की चिट किसी बच्चे पर पहुंचेगी, किसी के नाम की चिट किसी और दूसरे बच्चे पे पहुंच जाएगी। इस तरीके से टीचर करेंगे। नाउ ईच वन ऑफ यू विल गो राउंड द क्लास एंड फाइंड आउट हु योर पीस ऑफ पेपर हैज। फिर हर एक बच्चे को सारे बच्चों के पास जाना है और पूछना है कि आपके नाम की चिट किस बच्चे के पास है। ठीक, तो आप अपने फ्रेंड से ये क्वेश्चन करेंगे, डू यू हैव माई नेम स्लिप विथ यू, क्या आपके पास मेरे नाम की स्लिप है क्या। ये एक एक बच्चे के साथ पास में जाके आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर योर फ्रेंड क्वेश्चन एज। तो अगर उसके पास है, आपके नाम की चिट है, तो वो बोलेगा यस आई हैव। ठीक, अगर आपके नाम की चिट उसके पास नहीं है तो वो बोलेगा आई डोंट हैव। अगर वो बोले आई डोंट हैव, तो आपको दूसरे बच्चे के पास जाना है, और कब तक करना है, जब तक आपको आपके नाम की चिट ना मिल जाए। तो ये बच्चों एक एक्टिविटी है, ये आपको खुद ही करना है, आपके क्लास टीचर आपको करवा देंगे। ठीक है, अब अपन अगली एक्सरसाइज को देख लेते हैं। अब बच्चों जो 6 नंबर की एक्सरसाइज है वो है लेट्स राइट। अब हमें लिखना है, चलो लिखते हैं। इसका मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे क्राउन, एलिफेंट, कार्गो, सॉन्ग, वे, लॉफ्टर, चिल्ड्रन। तो इन वर्ड्स की मदद से हमें ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। जैसे फर्स्ट है, हियर कम्स द डैश स्वाइंग अलोंग विथ हिज डैश ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे हियर कम्स द डैश, तो डैश की जगह पे हम ये एलिफेंट लिखेंगे, ELEPHANT, एलिफेंट। ठीक, स्वाइंग अलोंग विथ हिज डैश ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ डैश की जगह पे हम कार्गो लिख देंगे, कार्गो, CARGO, कार्गो। हाँ, ऑल सिंगिंग ए सॉन्ग, सभी गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो सॉन्ग यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। टू द टिंकल ऑफ डैश ही गोज ऑन हिज, तो टिंकल ऑफ डैश, डैश की जगह पे अपन लिख देंगे लॉफ्टर, LAUGSTER, लॉफ्टर। ही गोज ऑन हिज डैश, डैश की जगह पे आ जाएगा वे। ठीक है, ये वे, WAY, वे। एंड हिज कार्गो ऑफ डैश एंड हैव डैश हिम विथ मे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, हैव डैश, डैश की जगह पे हम लिखेंगे क्रॉन, CROWNED, क्रॉन। इस तरीके से आप ये फिलअप भी कंप्लीट कर सकते हैं बच्चे। तो बच्चों इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।